की बात बताना बहुत जरूरी है कि आज संविधान दिवस है और ये संविधान हमारा रक्षा कवच है। जब तक ये संविधान सुरक्षित है हम सब सुरक्षित हैं, ये बात आप जान लो। लेकिन अगर ये सरकार बड़ी मजबूती के साथ लगी हुई है कि इस संविधान की धाराएं बदल दी जाएं और वो धीरे धीरे इस संविधान को काटने का काम कर रही है, आखिर क्यों उनके पेट में आखिर कौन सा दर्द है कि ये भारत का संविधान उन्हें नहीं चाहिए, ये आपको सोचना है। आखिर वो मनुस्मृति की बात क्यों करते हैं, आखिर वो राम राज की बात क्यों करते हैं। मोदी जी नारा देते हैं कि राम राज लाएंगे, क्यों भीम राज अच्छा नहीं लग रहा क्या? ये भीम राज अच्छा नहीं है जो राम राज की बात करते हैं? अरे सतयुग की बात करते हैं, कौन से सतयुग की बात करते हैं? जब राम का राज था तो चार वर्ण हुए और नारियों को पैर की जूती बना दिया तुलसीदास जी की रामायण के अंदर और कह दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी और ये सब धारण के अधिकारी बाबा साहेब ने भारत का संविधान बनाकर कहा कि नारी और शूद्र धारण के अधिकारी नहीं है, ये शूद्र और ये नारी मैं आज अपनी कलम के ताकत पर दिखाऊंगा कि ये देश के शासक है, ये देश के हुक्मरान है। ये हमें सत्ता किसने दी? ये बाबा साहेब ने हमें सत्ता दी, तो हमें भीम राज चाहिए या ये राम राज चाहिए? फैसला आपके हाथ में है, क्या चाहिए बोलो। ये जो पुरुष बैठे हैं गूंगे बहरों की तरह से, ये बोलो भीम राज चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो हिंदू धर्म तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जब तक हिंदू धर्म नहीं छोड़ोगे भीम राज नहीं आएगा, ये सुन लो। और जितने हमारे लोग मिस्र में काम कर रहे हैं उनकी हत्या का क्रम आप लोगों के ऊपर लगेगा, उनके कातिल आप लोग होंगे। हमारे बच्चों के गले में जो फिर से बेरोजगार की हांडी बंधेगी, अब ऐसी हांडी जो बंधने से रही जिसमें आप लोग थूकोगे, लेकिन बेरोजगार की हांडी हमारे बच्चों के गले में बंधेगी तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। इसलिए सुधर जाओ, संभल जाओ और समय रहते हुए जाग जाओ। जागोगे या नहीं जवाब चाहिए मुझे? मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ। और तुम्हें एक बात बता दूं, आज मेरे नाम से पुलिस वाले भी थर्राते हैं, ये हकीकत है। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि पहले तो हमारे प्रोग्राम की परमिशन रद्द करें, क्यों लोकतंत्र नहीं चाहिए उन्हें। और फिर अगर कहीं राखी रावण का नाम आ जाता है तो ये कहते हैं कि राखी रावण के नाम की परमिशन ले रहे हो, ये बड़ा मुश्किल है। क्यों? कि वो मनुवाद पे प्रहार करती है। मनुवाद पे प्रहार ना करो तो ये कहो कि आओ मेरी बहनों हमारे घर में घंटी टल्ली बजेगी, आओ मेरी बहनों हम राम का गुणगान करेंगे। ये मंच के ऊपर बोलूं ये ना बोलूं कि माता रमा बाई के चार चार बच्चे मरे तो इस राम राज के कारण मरे, इस मनुवाद के कारण मरे। अगर ये मनुवाद नहीं होता तो मेरे बाबा साहेब को कभी भूखे नहीं मरना पड़ता। अगर ये राम राज ये मनुवाद नहीं होता तो माता रमा बाई को अपने सर पर गोबर का टोकरा नहीं रखना पड़ता। अगर ये मनुवाद नहीं होता तो बाबा साहेब का बड़ौदा के अंदर अपमान नहीं हुआ होता। अगर ये मनुवाद नहीं होता तो बाबा साहेब को हिंदू कोड बिल से इस्तीफा देना नहीं पड़ता। अगर ये मनुवाद नहीं होता तो बाबा साहेब ने जो कानून मंत्री का पद संभाला उसे छोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन बाबा साहेब ने इस मनुवाद को अपने जूते की नोक के नीचे कुचला, ठोकर मारी और आज इस देश के अंदर लोकतंत्र लाकर स्थापित किया। ये भारत का संविधान जो है लोकतंत्र पर आधारित है। मैं ये घटना जरूर बताकर जाऊंगी कि बाबा साहेब कैसे भारत का संविधान लिखते थे। नहीं, पहले पूछ लूं उस हिसाब से बोलूंगी। बाबा साहेब जब भारत का संविधान लिखते थे तो कैसे लिखते थे? बाबा साहेब ने सोचा कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर ये भारत का संविधान या राजनीति में मैं नहीं पहुंच सका तो। लेकिन उन्हीं के एक साथी थे, उन्होंने बाबा साहेब को बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आप
मत ही मत हारो, आप मत रहो बाबा साहेब, अभी बंगाल में चुनाव होना बाकी है। बाबा साहेब ने बंगाल से चुनाव जीता और जोगेंद्रनाथ मंडल जी का भी मैं बहुत ऋण अपने समाज के ऊपर मानती हूँ कि उन्होंने बाबा साहेब को चुनाव लड़वाया। और भारी मतों से मैं मुस्लिम समाज का भी ऋण मानती हूँ कि मुस्लिम समाज ने बाबा साहेब को वोट भारी मतों से बंगाल से चुनाव जिताकर संसद के अंदर भेजा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की घोषणा को झूठा साबित कर दिया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहता था कि अरे ये डॉक्टर अम्बेडकर संसद के दरवाजे तो क्या, संसद के अंदर तो क्या, संसद के दरवाजे और रोशनदानों तक भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वही बाबा साहेब संसद के दरवाजे और रोशनदानों को पार करता हुआ संसद के अंदर पहुंच जाता है और इस भारत का भारतविधाता बन जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की घोषणा को झूठा साबित कर दिया। बाबा साहेब संसद के अंदर जाते हैं और संविधान लिखने का भार जब बाबा साहेब के ऊपर आता है। 7 सदस्यों की समिति बनी थी, 6 लोग किनारा कर गए क्योंकि किसी में भी इतना दम नहीं था, कोई भी इतना ज्ञानवान नहीं था कि कोई भारत का संविधान लिख पाता। इसलिए किसी ने कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, कोई विदेश के अंदर बस गया, और किसी ने कहा कि मैं खुद बीमार हूँ। 6 के 6 लोग किनारा कर गए, लेकिन हमारे मसीहा डगमगाए नहीं। उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों के अधिकार इस भारत के संविधान में सुरक्षित करूंगा। कौन से अधिकार? जो बाबा साहेब ने पूना पैक्ट के समय लंदन में 1932 में लिए थे। 1932 में ही बाबा साहेब ने हमारे पास जितने भी अधिकार हैं वो 1932 में ले लिए थे। तो बाबा साहेब ने सोचा कि अब भारत के संविधान में मैं इन्हें सुरक्षित करूंगा, और वो एक कमरे में बैठते और जिस कुर्सी पर बाबा साहेब संविधान की वो कॉपी लिखते थे, वो पृष्ठ लिखते थे, वहाँ मेज पर बाबा साहेब उस पृष्ठ को रखते और कुर्सी लकड़ी की ली, उस लकड़ी की कुर्सी पर बाबा साहेब ने कीले लगाए। सर्दी आती तो बाबा साहेब रस्सी लेते और रस्सी का एक छोर पंखे से बांधते तो दूसरा छोर अपने पैर से बाबा साहेब बांधते थे। क्यों बांधते थे? आखिर क्या जरूरत पड़ी थी बाबा साहेब को ऐसा सब करने की? बाबा साहेब के शरीर में बहुत पीड़ा रहती थी, बहुत शुगर बाबा साहेब का बढ़ा हुआ था, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे, पूरा शरीर दर्द से कराता था, लेकिन फिर भी बाबा साहेब को चैन नहीं पड़ता था। फिर भी आप लोगों के लिए पूरा कर सकूंगा। उनके एक पीए थे जिनका नाम था नानक चंद्र तुजी। एक दिन उन्होंने बाबा साहेब से कहा कि साहब आपकी आज्ञा हो तो मैं आज अपने बीवी बच्चों से मिलाऊं, आप कहो तो मैं जाऊंगा और आप मना करो तो मैं नहीं जाऊंगा साहब। बाबा साहेब ने कहा कि ठीक है रत्तू, तुम चले जाओ और सुबह जल्दी आ जाना। बाबा साहेब ने कहा कि सुबह जल्दी आ जाना, और जब रत्तू सुबह आते हैं तो क्या देखते हैं? जो बाबा साहेब के लिए खाना छोड़ कर गए थे, जिस कुर्सी पर जिस सूट कोट में बाबा साहेब लिख रहे थे, वैसी ही हालत में वो सुबह तक भारत का संविधान लिख रहे थे। रत्तू चाय लेकर आते हैं, बाबा साहेब को प्रणाम बोलते हैं, तो बाबा साहेब की नजर जब रत्तू पर जाती है तो वो कहते हैं कि अरे रत्तू तुम घर नहीं गए, देखना कैसे थे हमारे बाबा साहेब। उन्होंने कहा कि अरे रत्तू तुम घर नहीं गए। रत्तू ने कहा कि बाबा साहेब मैं तो घर भी गया, मैंने तो खाना भी खाया, मैं तो बीवी बच्चों से भी मिला, मुझे तो रात से सुबह हो गई है, लेकिन साहब मुझे ये बताओ कि आखिर आपको ऐसा कौन सा दुख है, आखिर आपको ऐसा कौन सा दर्द है, कौन सी चिंता है कि इस भारत के संविधान को आप कई कई दिनों तक लगातार लिखते हैं, अपनी भूख का अपनी सेहत का भी आप ध्यान नहीं रखते हैं साहब, आखिर क्यों? बाबा साहेब की आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा कि रत्तू मेरे पास टाइम नहीं, रत्तू मेरे पास टाइम नहीं है। बाबा साहेब जानते थे कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे और उन्होंने कहा कि रत्तू अगर ये भारत का संविधान अधूरा रह गया तो मेरे ये 7 करोड़ अछूत बच्चे फिर से अनाथ हो जाएंगे, इनका जीवन पशुओं से भी बेकार हो जाएगा, ये मनुस्मृति के फिर से शिकार हो जाएंगे, इन्हें ऊपर उठाने वाला कोई नहीं रहेगा रत्तू, इसलिए मैं अपने बच्चों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए इस भारत के संविधान को कई कई दिनों तक
शपथ लिख रहा हूँ। और रत्तू की आंखों में आंसू आते हैं और सलूट मारता है रत्तू बाबा साहेब को और कहता है कि धन है ये भारतवर्ष बाबा साहेब जहाँ आप जन्मे और धन है ये रत्तू बाबा साहेब जिसे आपकी सेवा करने का मौका मिला। ऐसे थे हमारे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और हमने उनकी कीमत को नहीं जाना, हमने उनकी कीमत को नहीं पहचाना। इसलिए दो लाइन में वो बीच में देती हूँ कि एक तरफ मनुस्मृति थी जिसमें बाबा साहेब ने आग लगाई और दूसरी तरफ ये भारत का संविधान था। तो मनुस्मृति क्या कहती थी कि ब्राह्मण पढ़ेगा और राजपूत शस्त्र उठाएगा, लड़ाई लड़ेगा और बनिया व्यापार करेगा और शूद्र सेवा करेंगे। तो लाइन बनती है कि एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार। इसे ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा मैसेज है इस लाइन के अंदर। मनु के विधान में क्या था? एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार और इन तीनों की सेवा करना शूद्रों का अधिकार। ये था मनु का विधान, ये था मनु का विधान। लेकिन बाबा साहेब ने इस मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को महाताल में आग लगा दी और ये भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ जो 26 नवंबर 1949 को ही बाबा साहेब ने पूरा कर दिया था। तो क्या कहते हैं ये भारत का संविधान कि एक नहीं ब्राह्मण नहीं पढ़ेगा। क्या ब्राह्मण ही पढ़ता है? बोलो मेरी बहनों, क्या ब्राह्मण ही पढ़ता है? बोलो मेरे भाइयों, क्या ब्राह्मण ही पढ़ता है? अरे अगर ब्राह्मण पढ़ता तो आज मंच पर शिक्षक और जो वकील आईएएस और कितने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वो सब बैठे हुए ना होते। तो ये भारत का संविधान यानी कि बाबा साहेब क्या कहते हैं कि ये मेरा द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान अब लागू होगा और उसमें ब्राह्मण नहीं, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार और अपनी अपनी सेवा सब करेंगे। ये है बाबा का संविधान, ये है बाबा का संविधान। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि कितनी मुश्किलों के साथ, कितनी दिक्कतों के साथ बाबा साहेब ने ये संविधान लिखा। अरे बाबा साहेब ने ये संविधान अपने लिए लिखा या हमारे लिए लिखा? बोलो। बाबा साहेब ने कहा था कि जिस समाज के अंदर 10 डॉक्टर 10 इंजीनियर 10 वकील पैदा हो जाएंगे वो समाज कभी ऐसा है नहीं होगा। और आज मैं मंच के ऊपर देख रही हूँ कि बाबा साहेब की वो बात सत्य साबित हो रही है। आज इस मंच के ऊपर भी कम से कम 5-6 वकील बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, आईएएस बैठे हैं। अरे मुझे भी कहीं ये गर्व होता है कि कहीं आपकी इस बहन बेटी को इन मनुवादियों ने याद दिलाई तो क्या ये लोग मेरी मदद के लिए आएंगे या नहीं? बोलो। अरे मैं समाज में उतरी हूँ तो किसके लिए उतरी हूँ? मेरे अपने बच्चों को छोड़ा, अपने पति को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा तो किसके लिए छोड़ा? अपने लिए या आप सबके लिए? मैंने छोड़ा बाबा साहेब के लिए। मैंने प्रतिज्ञा ली है, झूठी नहीं खाती मैं, मैंने सच्ची प्रतिज्ञा ली है कि हे बाबा साहेब, हे माता रमा भाई, मैं तेरी बेटी इंदू बनकर रहूंगी। क्योंकि आपने अपनी बेटी इंदू को खोया, इंदू को दवाई नहीं मिली, इंदू की मौत हो गई, लेकिन हे बाबा साहेब, ये राखी रावण आपकी बेटी बनेगी और आपके मिशन को गांव गांव शहर शहर तक ले जाएगी, अपने समाज को हर समय जगाने का काम करेगी और इस मनुवाद की धज्जी उड़ाती रहेगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं किसी से नहीं डरती। अरे मरना तो एक ही दिन है, बार बार नहीं। एक राखी रावण मरेगी तो 10 राखी रावण यहाँ पैदा होंगी, किसी की कमी नहीं है। इसलिए बाबा साहेब की बात को हमेशा याद रखो। और मैं एक बात वो बताकर जाऊंगी इस मंच के माध्यम से जो आज हमारे लिए राजनीतिक क्षेत्र में बहुत जरूरी है। साहब काशीराम जी, मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपना घर छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी और वो साइकिल साइकिल गांव गांव जाकर इस समाज को जोड़ा और बीएसपी पार्टी हमें दी। बाबा साहेब ने भी कहा कि राजनीति सब तालों की चाबी है, लेकिन वो चाबी तब बनेगी जब हमारे समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग सही से काम करेंगे। बाबा साहेब ने एक बात और संविधान सभा में संविधान देते हुए कही थी,
कि मेरा लिखा हुआ या किसी का लिखा हुआ भी संविधान तभी अच्छा साबित होगा जब इसे चलाने वाले लोग अच्छे साबित होंगे। अगर इसे चलाने वाले लोग बुरे हैं तो यह संविधान भी बुरा साबित होगा, चाहे कितना भी अच्छा है। तो आज बाबा साहेब का जो संविधान है वो बहुत अच्छा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, लेकिन ये लोग उसे बुरा साबित करने पे लगे हैं, क्योंकि इसे चलाने वाले ठीक नहीं है। तो इसे चलाने वाले जो लोग हैं वो हमारे लोग होने चाहिए, यानी कि इस देश के बहुजन मूल निवासी होने चाहिए। 85% लोगों की सत्ता फिर से आनी चाहिए, तब जाकर कहीं बाबा साहेब का संकल्प पूरा होगा। होगा या नहीं होगा? और वो तुम्हें पवे पवे में नहीं बिकना है। साहब काशी राम जी का हमेशा त्याग और बलिदान तुम्हें याद रखना है। अरे साहब काशी राम जी की शादी होने वाली थी, लेकिन जब उन्हें बाबा साहेब के बारे में पता चला तो उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने शादी तोड़ दी। और उनके पिताजी ने कहा कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं इससे नाता तोड़ दूंगा। और पंजाब के अंदर एक सभा लगी हुई थी, साहब काशी राम जी उस सभा में गए और जब वो बोल रहे थे तो उनकी माताजी दूर से सुन रही थी। उन्होंने देखा कि आज मेरे बेटे को सुनने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। और जब सभा समाप्त हो गई तो वो अपने बेटे के पास गई और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे घर का काम नहीं होता है बेटा, अब तू ऐसे कर मेरे लिए बहू ले आ, मैं तेरे सर पे सहरा देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे, तू घर चल मैं तेरी शादी कराऊंगी। तो साहब काशी राम जी ने कहा कि नहीं माँ, मैं घर नहीं जा सकता, माँ मैं अब घर नहीं जा सकता, माँ तुम मेरे लिए सहरा नहीं, क्या चाहिए माँ मुझे कहर चाहिए। इस बहुजन समाज को इस देश की सत्ता दिलाने के लिए मुझे अपने सर पर कहर बांधना है, सहरा बांधना नहीं है। और साहब काशी राम जी ने अपना घर भी छोड़ा, नौकरी छोड़ी, शादी नहीं की और वो हमें इस देश की राजनीतिक सत्ता हाथ में देके गए। या नहीं गए? बहन मायावती को उन्होंने यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, बनाया, लेकिन आज वो हमारी पार्टी थोड़ी सी लुढ़क गई है। मेरे समाज के भाइयों, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ना तो हमें साहब काशी राम जी का त्याग बलिदान बोलना है, ना हमें बाबा साहेब का त्याग बलिदान बोलना है, ना हमें ज्योतिबा फुले जी का त्याग बलिदान बोलना है, और ना हमें माता रमाबाई का त्याग बलिदान बोलना है। शायद टाइम हो चला है, मुझे इशारा कर देना, मैं अपनी बात हो गया, मैं अपनी बात खत्म करने के लिए जा रही हूं। लेकिन खत्म करने से पहले हमेशा 3 बातें याद रखना। जब जब तुम्हारे मुख तक ये पानी की बोतल जाती है, पानी पिए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, रह सकते हैं क्या बोलो? 2 दिन खाना खाए बिना रह सकते हैं, 3 दिन रह सकते हैं, 4 दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। इसलिए, और ये पानी हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, बाबा साहेब से पहले हमें छोड़ का पानी पीने पर मजबूर किया गया था। इसलिए ये राखी रावण कहती है कि जब जब तुम्हारे होठों पर ये पानी जाए तो याद रखो कि हे बाबा साहेब, ये मिनरल वाटर हमारे होठों तक जब पहुंचा है, जब इस पानी के अंदर हमारे समाज की लाखों पहलों का खून बहा है, हजारों बच्चों का खून छिपा है, हजारों बच्चों की इसमें बलि छिपी है, इसलिए हे बाबा साहेब हम कसम खाते हैं कि हम तेरी ही औलाद बनकर रहेंगे और इस मनुवाद की हड्डी तोड़ कर ही दम लेंगे, ये कसम खाओ। और जब जब तुम्हारे बदन पर ये सुंदर कपड़ा आता है, आज यहाँ सब महिलाएं कितना सुंदर सुंदर कपड़ा पहन कर बैठी है, सब लोग कितने सुंदर सुंदर, किसी राजा या रानी से या राजकुमारी से कम नहीं तो हो नहीं होया। अरे अपने बदन को याद करो, बाबा साहेब से पहले हमारी आंखों से ढेर निकलता था, हमारा बदन नग्न अवस्था में रहता था, लेकिन आज बाबा साहेब के कारण हम ब्यूटी पार्लर में से धज कर जाते हैं और आज राजकुमारी और राजकुमार रानी की तरह दिखते हैं। इसलिए जब जब तुम सुंदर कपड़ा पहनो, तभी तब अपने बदन की तरफ, सुंदर कपड़े की तरफ देखो कि हे बाबा साहेब, हमारे बदन पर ये सुंदर कपड़ा तब आया है जब माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर अपने बेटे गंगाधर के शरीर पर डाला था। इसलिए हे माता रमाबाई, हम कसम खाते हैं कि हम तेरी ही
मलाई खाते हो ना, खाते हो ना, अरे याद करो तुम मरे हुए पशुओं का मांस खाते थे, तुम झूठन खाते थे, लेकिन आज याद करो तुम्हारी जेबों के अंदर बाबा साहेब ने इतने नोट भर दिए हैं कि तुम्हारा जो भी मन करे तुम फाइव स्टार होटल में भी जाते हो। तो इसलिए जब जब तुम्हारे मुंह तक ये राजभोज जाए, याद रखो कि हे बाबा साहेब हमारे मुंह में ये राजभोज तब गया है जब लंदन के अंदर तुम भूखे पेट रहकर पड़ रहे थे, ठंडे गिलास के पानी में सूखी बैर का टुकड़ा भिगो कर खा रहे थे। इसलिए हे बाबा साहेब हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस भारत के संविधान पर आज नहीं आने देंगे, ये कसम खाओ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं आप सबका एक बार फिर आभार व्यक्त। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।